थ्योरी और बैंड थ्योरी के बारे में लिखवा भी दिया था, इतना इतना मैं करा चुकी हूँ, कल करा दिया था इतना आप लोगों को। यस मैम, यस मैम, दिया गया था। जी मैम। इसके आगे करते हैं हम। तो क्वेश्चन आता है फिर यहाँ से कि हमने बता दिया कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड बन जाते हैं, और वैलेंस बैंड वो होते हैं जो एम्प्टी होते हैं, और कंडक्शन बैंड और फॉरबिडन बैंड है ना। तो इनकी डेफिनेशन बतानी है आप। तो क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड एंड फॉरबिडन बैंड। तो क्वेश्चन लिखिए, बस सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी पढ़ रहे थे। तो देयर आर थ्री टाइप ऑफ बैंड्स इन सॉलिड। वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड क्या होते हैं, जिसमें एनर्जी जो है सबसे लोअर होती है, और मोस्टली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आउटर मोस्ट शेल के वो वहां पर आके इकट्ठे हो जाते हैं। तो जो वैलेंस बैंड होते हैं या तो पार्शली फिल्ड होते हैं या कंप्लीटली फील्ड होते हैं। कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड ये अलाउड एनर्जी स्टेट होता है जो कि हायर होता है वैलेंस बैंड से, नेक्स्ट होता है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव करके फ्रीली कंडक्शन में कंट्रीब्यूट करते हैं, या तो ये अनफिल्ड होंगे या पार्शली फील्ड होंगे। फॉरबिडन एनर्जी गैप, इन दोनों के बीच का गैप जो हमारा वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है, इनके बीच के गैप को हम फॉरबिडन गैप कहते हैं या एनर्जी बैंड गैप कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी लेवल में, इस बीच में, इस रीजन में अलाउड नहीं होते कि वो आ सके। ठीक है, तो इसको लिखना है कि इस बैंड गैप के अकॉर्डिंग हम मेटल को या सॉलिड्स को तीन पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर। फिर वो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तरीके का होता है। कंडक्टर होता है, इंसुलेटर होता है, सेमी कंडक्टर होता है। कंडक्टर में जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड है एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं या एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, उनके बीच में कोई गैप नहीं होता है। इंसुलेटर में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो गैप होता है वो बहुत लार्ज होता है, अप्रोक्सीमेटली 4 eV के अराउंड। जबकि सेमी कंडक्टर में ये जो गैप होता है इन दोनों के बीच में, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में, वो कंडक्टर से ज्यादा होता है और सेमी कंडक्टर इंसुलेटर से कम होता है। और क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो कंडक्टर में वो गैप ना के बराबर होता है। तो लिटिल अमाउंट अगर हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं मेटल को या मटेरियल को, तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन तुरंत कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं और कंडक्टिविटी इंक्रीज करते हैं। जब मैंने फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी भी पढ़ाई थी तो वहां पे भी बताया था कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे रैंडम वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो अब हम अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो कंडक्टर के अंदर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में तो पहुंच रहे हैं, कंडक्टर में रेजिस्टिविटी ज्यादा इंक्रीज होती है कि रैंडम मोशन इंक्रीज हो जाता है। तो रेजिस्टिविटी ज्यादा इंक्रीज होती है जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं कंडक्टर्स के अंदर। तो इसलिए कंडक्टर्स को हम पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने में कंडक्टर्स में कंडक्टिविटी कम हो रही है, रेजिस्टिविटी ज्यादा इंक्रीज हो रही है रैंडम मोशन की वजह से। सेमी कंडक्टर में क्या होता है, सेमी कंडक्टर में जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वैलेंस बैंड को लीव करके कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं। और हम जानते हैं सेमी कंडक्टर्स के अंदर होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों ही चार्ज कैरियर होते हैं। कंडक्टर के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर होता है, जबकि सेमी कंडक्टर में क्या हो रहा है, होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों ही चार्ज कैरियर हैं। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से वैलेंस बैंड में नंबर ऑफ होल्स इंक्रीज हो जाते हैं जबकि कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाते हैं। तो कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है क्योंकि नंबर ऑफ होल्स वैलेंस बैंड में इंक्रीज हो गए और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में इंक्रीज हो गए। तो कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई, तो इसलिए जो है रेजिस्टिविटी, क्योंकि इसके रेसिप्रोकल होती है, तो रेजिस्टिविटी कम होने लगती है जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। इसलिए इसको हम नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ कंडक्टिविटी भी बोलते हैं सेमी कंडक्टर को। इंसुलेटर में हमें पता ही है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में ये जो गैप है बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हमें लार्ज अमाउंट देना पड़ता है एनर्जी का वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन को पहुंचाने के लिए। तो इनकी कंडक्टिविटी वेरी लो होती है। तो अगर क्वेश्चन लिख लिया है तो हम आंसर के लिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे। करती हूँ, ठीक है, कंडक्टर्स हो गए हैं। अब बात करते हैं हम सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर की।
तो इंसुलेटर्स क्या है, जिसका बैंड गैप कंडक्टर में तो ओवरलैप कर रहा था वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो है गैप ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पाते हैं, और अगर मूव करना है तो हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स को पहुंचाने के लिए, तो इसलिए इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो या तो होती ही नहीं है या बहुत लो होती है. तो इंसुलेटर हैव कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस बैंड एंड एम्प्टी कंडक्शन बैंड विच आर सेपरेटेड बाय लार्ज फॉरबिडन गैप. द बैंड गैप इज वेरी लार्ज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 5 EV के इससे ज्यादा ही होता है. Hence, large amount of energy is required to transfer electron from valence band to conduction band. The insulator have very low conductivity. जब कंडक्टिविटी कम होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा नहीं रहे हैं तो ऑब्वियस है रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी. डायमंड, वुड, ग्लास आर द एग्जांपल्स ऑफ इंसुलेटर्स. और बैंड स्ट्रक्चर का जो डायग्राम है वो आपको सामने दिख रहा है, तो यहाँ पे कॉमा लगा लीजिएगा. डायमंड, वुड, ग्लास एक्सेट्रा आर इंसुलेटर, या आर द एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर. ये तो सबसे पहले अब हम कंडक्टर्स की बात करते हैं. तो कंडक्टर्स के लिए क्या डायग्राम बनेगा, जहाँ पे आप क्या करोगे, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड को एक दूसरे को टच करते हुए दिखाओगे या इनको ओवरलैप करते हुए भी दिखा सकते हैं. ठीक है, तो कंडक्शन बैंड बनाना है, वैलेंस बैंड बनाना है, इनके बीच में कोई गैप नहीं दिखाना है. तो वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर ओवरलैप्ड इन कंडक्टर. ओवरलैप में क्या कर सकते हो, आधा कंडक्शन बैंड इधर वैलेंस बैंड के हाफ में ला सकते हो, ऐसे भी दिखा सकते हैं. देयर इज नो फॉरबिडन बैंड, द इलेक्ट्रॉन कैन मूव एंड प्रोड्यूस अ करंट बाय अप्लाइंग अ स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस. तो थोड़ी सी वोल्टेज ही अप्लाई करने पे वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं और कंडक्शन में कंट्रीब्यूट कर देते हैं. तो रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इज वेरी लो. जब कंडक्टिविटी ज्यादा होगी क्योंकि इजीली इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच जा रहे हैं तो रेजिस्टिविटी कम होगी. एंड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. तो हमने देखा भी था जब मैंने अभी लास्ट टाइम कुछ पढ़ाया था कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे कोलिजन इंक्रीज होता है, और कोलिजन इंक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, कंडक्टिविटी कम होगी तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी. तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी. हेंस कंडक्टर आर सेट टू हैव पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. तो इसलिए हम ये बोलते हैं कि जो कंडक्टर्स होते हैं वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं रेजिस्टेंस के, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेजिस्टिविटी बढ़ेगी. द एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर इज शोन इन फिगर. मेटल लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये एग्जाम्पल्स हैं कंडक्टर्स के, तो ये बनाइए और इसके बारे में लिखिए. तो अब हम बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर्स की. तो सेमीकंडक्टर्स क्या होता है, जिसमें ये जो बैंड गैप है क्या करेंगे, कंडक्टर से ज्यादा दिखाएंगे और इंसुलेटर से कम दिखाएंगे. तो इन सेमीकंडक्टर वैलेंस बैंड इज कम्प्लीटली फिल्ड एंड कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी एट जीरो एब्सोल्यूट जीरो पे, है ना, जीरो एब्सोल्यूट जीरो पे ऐसा होता है. लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में मूव कर जाते हैं, और क्योंकि सेमी कंडक्टर्स के अंदर होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों चार्ज कैरियर्स हैं. ठीक है, तो क्या होता है, जब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स पहुंच जाते हैं तो कंडक्शन बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंस बैंड के अंदर होल्स कंडक्टिविटी में कंट्रीब्यूट करते हैं. तो जिसकी वजह से जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है. तो इसलिए अब कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो ऑब्वियस है रेजिस्टिविटी कम होगी, धीरे धीरे रेजिस्टिविटी कम होगी जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे. तो इसलिए हम इसको नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट भी बोलते हैं. और बैंड गैप का अगर हम ऑर्डर की बात करें तो 0.3 से 0.1 तक ईवी के बीच में ये फॉरबिडन गैप इसका हो सकता है. तो क्या क्या लिखा है यहाँ पे ये पढ़ लेते हैं. इन सेमीकंडक्टर वैलेंस बैंड इज कम्प्लीटली फिल्ड एंड कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर. द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर सेपरेटेड बाय स्मॉल फॉरबिडन बैंड ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 EV. Hence, compared to insulator, smaller energy is required to transfer the electron from valence band to conduction band. Hence, the conductivity is better than insulator, but not good as conductor. Conductor के जैसे तो अच्छी नहीं है, but semi insulator से अच्छी होती है. Silicon and germanium are good. Silicon and germanium are semiconductors
एंड द एनर्जी बैंड डायग्राम इज शोड इन फिगर, तो फिगर बना लीजिएगा और फिर देखिए टेम्परेचर वाली बात भी लिखी है. एज टेम्परेचर इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड जंप टू कंडक्शन बैंड लीविंग द वैकेंसी इन वैलेंस बैंड विच इज नोन एज अ होल. द फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्शन बैंड एंड होल इन अ वैलेंस बैंड टेक अ पार्ट इन कंडक्शन कंडक्टिविटी इंक्रीजेस. बैंड यहाँ नहीं आएगा. Hence conductivity increases and resistivity decreases with increase in temperature. The semiconductor are said to have negative temperature coefficient. So conductor positive temperature coefficient of resistance होता है, ये negative temperature coefficient of resistance होता है, क्योंकि जैसे जैसे temperature बढ़ाते हैं वैसे वैसे resistivity decrease होती है semiconductor में. तो ये negative हो गया, वहां पे वो positive था कि जैसे जैसे temperature बढ़ा रहे थे वैसे वैसे resistance बढ़ रहा था conductor के अंदर. तो type of semiconductor कल हम तो classification of semiconductor की बात करें तो आपको पता ही है semiconductor अब तक जो पढ़कर आ रहे हैं, दो तरीके के semiconductors पढ़कर आ रहे हैं, intrinsic semiconductor और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स मतलब जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, ठीक है. दूसरा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, जो इम्प्योर होते हैं जिसमें हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं. दो तरीके की इम्प्योरिटी होती है, एक एन टाइप इम्प्योरिटी, एक पी टाइप इम्प्योरिटी. एन टाइप इम्प्योरिटी में क्या होता है, पेंटावेलेंट जिसमें एक्स्ट्रा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस तरीके की इम्प्योरिटी हम ऐड करते हैं प्योर एटम में, तो उसको पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी बोलते हैं. तो अगर इससे हम फॉर्म करते हैं तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा. पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं. ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी का मतलब जिसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, उसको ऐड करते हैं. तो इसको हम एक्सेप्टर टाइप इम्प्योरिटी भी बोलते हैं, ठीक है. तो तब पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा. इसके अलावा एक तरीके का सेमीकंडक्टर और होता है जिसको हम कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं. और कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, जिसमें दो ग्रुप्स के एलिमेंट्स को मिला के हम कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स बनाते हैं. तो एक फोर्थ ग्रुप का होता है, एक सेकंड ग्रुप का होता है, एक थर्ड ग्रुप का होता है, एक फिफ्थ ग्रुप का. इस तरीके से ग्रुप्स दो अलग अलग ग्रुप्स के एलिमेंट्स को फॉर्म करते हैं. तो जैसे ZnO हो गया, ZnS हो गया, CdS हो गया, PbS हो गया, तरीके के जो एलिमेंट्स हैं इनको फॉर्म करके हम क्या कर रहे हैं, दो दो ग्रुप्स के एलिमेंट्स को मिला रहे हैं. तो हम इसको कई बार ऐसे भी लिखते हैं ZnXO1-X. तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, X को 0.5 ले रहे हैं, मतलब 50-50% हम दोनों मटेरियल्स को लेते हैं, फॉर्म करते हैं. अगर एक की अधिकता हो जाएगी, बढ़ जाएगा, मान लीजिए Zn की हमने या जिंक की क्वांटिटी को इंक्रीज कर दिया, तो ऑक्सीजन कम हो जाएगा. उसके अकॉर्डिंग इसके बैंड गैप में वेरिएशन होता है कि किस साइड शिफ्ट होगा वो. लेकिन नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब बिल्कुल परफेक्ट बनाना होता है तो दोनों को 50-50% रखते हैं. तो इनको कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स भी बोलते हैं. तो हमें क्या करना है, जो प्योर सेमीकंडक्टर्स हैं या एन टाइप सेमीकंडक्टर हैं या पी टाइप सेमीकंडक्टर्स हैं, इनकी कंडक्टिविटीज के एक्सप्रेशंस लिखने हैं. और इनमें फर्मी लेवल कहाँ पर होता है, किस तरीके से वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, वो सब डिस्कशन करना है हमें, ठीक है. तो वो अब हम कल स्टार्ट करेंगे. थैंक यू एवरीवन. कीप वॉचिंग और कमेंट सेक्शन में पोस्ट करते रहिए कमेंट. थैंक यू.